Hi everyone, welcome back to Lead Coding. I am Faraz and I am a software engineer at CureFit. तो यार लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि what is the syllabus for a product based company. अगर आप एक product based company के लिए तैयारी कर रहे हैं, so what's the complete syllabus जिसको करने से आपका placement एक product based company में हो जाएगा. Now we are going to look at how to complete this syllabus. इस syllabus को complete कैसे कर सकते हैं, okay? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा पढ़ लेते हैं, एक पर्टिकुलर चीज़ पे ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, जैसे कि DSA है. अब DSA पे तो आप कितना भी टाइम लगा दो, है ना, सालों साल लगा सकते हो. बट द थिंग इज, इफ़ यू पुट ऑल योर टाइम ऑन DSA, देन यू वोंट हैव टाइम फॉर द सब्जेक्ट्स, यू वोंट हैव टाइम फॉर द प्रोजेक्ट्स, जिससे कि एक डिसएडवांटेज क्रिएट हो जाता है. तो किस लेवल तक आपको चीज़ें करनी है, कहाँ से करनी है, इफ़ यू आर अ कंप्लीट बिगनर तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. अब यू हैव इन्फिनाइट रिसोर्सेज टू डू ऑल दीज थिंग्स, बट यू हैव फाइनाइट टाइम, इसीलिए एक स्ट्रक्चर्ड वे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज. बट फर्स्ट थिंग इज, वॉच द कंप्लीट वीडियो टिल द एंड, पूरी वीडियो को कंप्लीट देखना. नाउ द सेकंड पॉइंट इज कि यार इस वीडियो को देखने के बाद ना ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर लेना खुद से. अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे ना तो आप 50 बार ऐसे वीडियोस देख लोगे, रोड मैप्स, गाइडेंस वगैरह वाले, और कुछ हो नहीं पाएगा. तो बस इस वीडियो को देख लो और इंप्लीमेंट कर लो ये सारी चीज़ें जो भी मैंने बताई हैं, ओके. चलो सो लेट अस स्टार्ट. तो मेरे पास यहाँ पर कुछ लेवल्स हैं एंड मैंने दोनों ही तरीके के लोगों को कंसिडर किया है. द फर्स्ट वन इज दोज हु आर नॉट अवेयर ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड सेकंड जिन्होंने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, थोड़ा बहुत DSA वगैरह किया हुआ है, ओके. सो वी हैव द लेवल जीरो. अब लेवल जीरो में क्या है कि यू हैव टू लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी. ऑप्शंस क्या है, C++, जावा, पाइथन, एक पिक कर लो. यूट्यूब पे बहुत ही अच्छे अच्छे इनके लेक्चर्स अवेलेबल हैं, ओके, फ्री में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ओके. एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू प्रिपेयर लेक्चर्स फॉर देम अपने दूसरे चैनल पे, ठीक है, जिसका आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा. जैसे ही आएंगे आई विल गिव यू अपडेट, ठीक है. तो अभी के लिए स्टार्ट वॉचिंग लेक्चर्स. सर्च करोगे ना जो टॉप पे आएगा वो वाले लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर दो. कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ऐसे कुछ 5-6 घंटे इसके लेक्चर्स होंगे, 5-6 घंटे इसके होंगे, 5-6 घंटे इसके होंगे, इसमें से एक करना है बस. बट द थिंग इज यू हैव टू इम्प्लीमेंट वाइल लर्निंग, साथ साथ कोड भी करना है. ये नहीं कि देख लिया पूरा का पूरा लेक्चर बैठ के. एक चूज़ कर लो, आई वुड से C++, और अगर आपको जावा में थोड़ा बहुत आइडिया है तो जावा चूज़ कर लो. अगर आपको इन दोनों में से, मतलब आपको पाइथन में आइडिया है तो पाइथन चूज़ कर लो. मतलब ये थर्ड नंबर पे है, ये फर्स्ट नंबर पे है C++, ठीक है. डेढ़ महीने का टाइम दिया है, वैसे तो आपको इसमें मेरे ख्याल से एक महीने से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगेगा, बट स्टिल मैंने डेढ़ महीना दिया हुआ है आपको. जस्ट लर्न वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन दिस टाइम, ओके. देन यू कैन गो टू द लेवल वन, और जिनको ऑलरेडी लैंग्वेज आती है दे कैन स्टार्ट विद द लेवल वन. अब लेवल वन में क्या है, लेवल वन है दो वीक का आपके पास टाइम है. अब इस टाइम में क्या करना है, सिंप्लीफाइड DSA विद फराज. तो सिंप्लीफाइड DSA विद फराज इज अ प्लेलिस्ट क्रिएटेड बाय मी, जिसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट DSA के जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ाया हुआ है. लाइव सेशंस हैं, रिकॉर्डेड हैं. सो जस्ट गो टू द प्लेलिस्ट सिंप्लीफाइड DSA बाय फराज. तो ये मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसकी, ठीक है. इसको देख लो दो हफ्ते के अंदर. 13 hours का कंटेंट है, ज़्यादा लंबा चौड़ा कंटेंट है नहीं, और दो वीक के अंदर बहुत ईजिली हो जाएगा. अगेन इंप्लीमेंट करते रहना साथ साथ, ओके. चलो अभी जब ये हो जाएगा देन यू विल हैव इनफ बैकग्राउंड, यू विल एक्चुअली बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट, ठीक है. इतना करने के बाद आपसे कॉन्टेस्ट में प्रॉब्लम होने लग जाएंगे फर्स्ट टू. नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग द सिंप्लीफाइड DSA विद फराज, यू विल हैव इनफ नॉलेज, है ना, काफ़ी नॉलेज होगी आपके पास. सो यू कैन स्टार्ट विद बिगनर्स DSA शीट. अब बिगनर्स DSA शीट एक बहुत ही सिंपल DSA शीट है, जिसमें से मैंने 50 क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है वो, ठीक है. एंड दोज क्वेश्चन आर फ्रॉम कोड स्टूडियो प्लेटफॉर्म, विच इज ऑल्सो द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो. सो कोड स्टूडियो इज द प्लेटफॉर्म, इज अ फ्री प्लेटफॉर्म बाई कोडिंग निंजाज, एंड यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स मिल जाती हैं अकॉर्डिंग टू द कंपनी. लेट अस से इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कंपनी देन यू विल बी एबल टू गेट प्रॉब्लम सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द कंपनी, जो कि बाकी प्लेटफॉर्म्स पे एक प्रीमियम फीचर होता है. इट इज़ अ फ्री फीचर है, कंपनी का टैग आपको मिल जाएगा हर एक क्वेश्चन के सामने. अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल ऑल्सो गेट द एवरेज टाइम टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का एवरेज टाइम क्या होना चाहिए ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, दैट ऑल्सो यू गेट, ओके. अब क्योंकि दिस बिगनर्स DSA शीट इज फॉर बिगनर्स, तो कई बार क्या होगा, यू विल गेट स्टक इन द क्वेश्चंस, एंड इफ यू गेट स्टक इन द क्वेश्चंस यू ऑल्सो हैव अ फीचर ऑफ सॉल्यूशंस. सॉल्यूशंस में जाके यू कैन लुक एट द फर्स्ट अप्रोच टू सॉल्व दिस, यू कैन रीड दिस. रीड करने के बाद आप कोड भी रीड कर सकते हैं C++, जावा, पाइथन, तीनों ही लैंग्वेजेस में. देन यू कैन गो टू द सेकंड अप्रोच विच इज मोर ऑप्टिमल अप्रोच, एंड यू कैन रीड द सॉल्यूशन फ्रॉम हियर. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस वगैरह भी होते हैं, सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कंपनी यू कैन रीड द इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस एज वेल. ऑलराइट, तो ये बिगनर्स DSA शीट आपकी कवर हो जाएगी. और मान लो कि वहाँ पर सॉल्यूशंस पढ़ने के बाद भी अगर आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आता है तो उसकी YouTube वीडियो अवेलेबल होगी, YouTube सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे, ठीक है. नहीं होंगे तो फ्यूचर में मैं ये सॉल्यूशंस बनाता जाऊँगा, ओके. चलो
तो यहाँ पर हमारी बिगनर्स डीएसए शीट हो जाएगी, 1 महीने का टाइम दिया हुआ है। वैसे तो ये शीट अगर आप लोगों को डीएसए वगैरह आता है 10 से 15 दिन में हो जानी चाहिए, बट 1 महीने का प्रॉपर टाइम आपको दे दिया गया है। ओके, तो यहाँ तक वो हमारा 1.5 महीना प्लस आधा महीना, 2 प्लस 1, टोटल 3 महीने हो चुके हैं हमारे यहाँ पर। ओके, नाउ यू कैन पार्टिसिपेट इन दी कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट में आप लोग पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो लीड कोड कॉन्टेस्ट में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोड स्टूडियो कॉन्टेस्ट में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंड ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन विद इन दैट कॉन्टेस्ट टाइम। और अगर कॉन्टेस्ट में क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं तो उनको आप लोग बाद में सॉल्व करें, जिसको हम लोग अपसॉल्विंग कहते हैं। मान लो कि आपसे एक पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, थर्ड वाला नहीं हो पाया किसी वजह से, अब सॉल्विंग करो, मतलब बाद में सॉल्व करो ये सारे क्वेश्चन, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो, या फिर उनके डिस्कशन सेक्शन में जाके देखो, या उनके सॉल्यूशन पे जाके देखो कि व्हाट इज देयर सॉल्यूशन। ठीक है, चलो, तो ये हमने लेवल वन कवर कर लिया। अब लेवल वन से ही आपकी एक काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी, बट लेट अस मूव ऑन, और हम लोग बात करते हैं अब फैंग वाली जो कंपनीज हैं उनके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, तो उनके लिए है लेवल टू। ओके, यहाँ तक आपने टीयर थ्री वाली कंपनीज कवर कर ली हैं, यहाँ पर आपकी अब अच्छी अच्छी कंपनीज कवर हो जाएंगी। तो इसमें क्या है, इसमें यू हैव दी कंप्लीट डीएसए शीट बाई फराज। तो इसमें मैंने बेसिकली वो क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो कि थोड़े से एडवांस्ड है, बट वो बार बार कंपनी से पूछे भी जाते हैं, और एक तरीके से मैंने पूरा का पूरा जो डीएसए का सिलेबस है वो इसमें 250 क्वेश्चंस में कवर करवा दिया है। ओके, सो यू कैन गो टू द कंप्लीट डीएसए शीट बाई फराज, लिंक सभी चीज़ों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, एंड स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम देयर। ये 250 क्वेश्चंस तो आपको 100% करके ही जाने हैं, ठीक है, इनके बिना करे आप लोग नहीं जाएंगे। देन यू हैव दी एडिटोरियल्स, तो साथ साथ क्वेश्चंस के साथ साथ आप लोग को एडिटोरियल्स भी रीड करते रहना है। ओके, एडिटोरियल्स मतलब जैसे आपको क्वेश्चन नहीं आया तो उसका सॉल्यूशन। चलो ठीक है, ये हमारे 3 महीने का काम है, मतलब 3 महीने में आप ये पूरा का पूरा डीएसए शीट कंप्लीट कर लेना, इनफ टाइम है ये 3 महीने। ओके, फाइनली देखो आपको क्या करना है, अब आपके पास ये आपने 6 महीने लगा दिए यहाँ पर, अब आपके पास टाइम है, इस टाइम में आप लोग अपने सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, अब अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह देखेंगे, बट साथ ही साथ आपको रिविजन करना है इस डीएसए शीट का, एंड कॉन्टेस्ट नहीं छोड़ने हैं। 1.5 घंटे का कॉन्टेस्ट होता है, 1 घंटा आप सॉल्विंग लग जाएगा, तो 2.5 घंटे एक वीक में 2.5 घंटे देना, इट्स नॉट अ बिग डील। साथ साथ रिवीजन, साथ साथ आप सॉल्विंग, बस इतना करते रहना है आपको। लीड कोड पे कॉन्टेस्ट दो, और थोड़ा सा आपको गूगल वगैरह में इंटरेस्ट है, गूगल में या फिर ऊबर में या कोड नेशन वगैरह जैसी कंपनी में, तो कोड फोर्सेस पे भी आप लोग कॉन्टेस्ट दे सकते हैं, कोड फोर्सेस, ठीक है, बस इतना आपको करते रहना है। ओके, अगेन कोड फोर्स भी जब कॉन्टेस्ट देंगे तो आपको जो क्वेश्चन नहीं हो पाते उनकी आप सॉल्विंग करेंगे। चलिए, तो ये है कंप्लीट डीएसए, और इस तरीके से यू कैन फिनिश द सिलेबस इन विद इन 6 मंथ्स। 6 मंथ्स में काफ़ी अच्छा आपका ये कवर हो जाएगा इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, वरना फिर आपका इससे भी जल्दी हो जाएगा। ओके, चीज़ें क्या क्या करनी है वो मैंने आपको बता दिया है। सो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, एंड लेट अस मीट इन अनदर वीडियो।